मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह के 7:30 है। सो मैं सुबह उठी हूँ 6:00। एक्चुअली मैं 5:00 उठी थी, तो मैंने सोचा इतना सुबह चलो थोड़ा और सो देगा सोचा, तो मैं थोड़ी सो गई और 6:00 उठी। तो अभी 7:30 है, तो लगभग मेरे 7:30 तक पूरा काम कंप्लीट हो गया था। मैंने रूम में पूरा झाड़ू लगाया, उसके बाद में खाना वाना बनाया और खा लिए है। उसके बाद मैं और अभी 8:00 वाले हैं, तो 8:30 को मैं यहाँ से निकलूँगी। और आज मेरा माइक्रो टीचिंग है, इसलिए मैं बहुत जल्दी उठी आज, वरना मैं हमेशा 6:30 या फिर 7:00 तक इतना देर नहीं सोना चाहिए, लेकिन मैं ऐसे ही सोती, मेरी जैसे ना करे आप लोग। तो आप लोगों को मैं आज दिखाती हूँ और एक चीज, क्योंकि मैंने जल्दी ब्रेकफास्ट इसलिए किया है आज सुबह सुबह, क्योंकि माइक्रो टीचिंग करते करते जो है कभी कभी 2-3 बज जाते हैं, तो हमें भूख लग जाती है, मैं पेट ही नहीं पाती हूँ। हमारी जो पेट की जो आवाज़ें है ना, वो पड़ोसी वाला जो पेट है वो भी सुन सकते हैं, ऐसी आवाज़ें निकलती हैं। तो मैंने सोचा मुझे ऐसा नहीं होना है, तो मैंने अच्छी तरह से ब्रेकफास्ट कर लिया है। सो माइक्रो टीचिंग है आज हमारे, होपफुली कि मैं अच्छी तरह से आज अपनी माइक्रो टीचिंग कर पाऊँ। सो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ मेरी छोटा सा रूम। ये रहा मेरे रूम, और ये बास्केट है, और ये मेरा हेलमेट है, और ये टॉय है, उसकी बात में ये मेरी किताबें हैं, बिखर गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे टाइम मिलूंगी तो मिला दूंगी फिर। सो ये मेरे छोटा सा रूम है। सो मेरा एक्चुअली ये पूरा सामान यहाँ आगे वाला रूम पे थे, तो ये रूम खाली था एक्चुअली, तो इतना ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया था, जगह नहीं हो गया था, तो मैंने सोचा कि ये रूम भी खाली है, यहाँ शिफ्ट कर दूँ। सो अभी मैं ये रूम पर ड्रेसिंग करती हूँ, और वो रूम पर जो है मैं सोती हूँ। सो ये है मेरा छोटा सा रूम, और ये मेरे कुछ सामान है, लैपटॉप है, टेडी बियर है, मेरे फाइल है, कुछ मेकअप के सामान है। मैं इतना ज़्यादा मेकअप नहीं करती, बस थोड़ा सा है, कंपैक है, नेल पॉलिश है और लिपस्टिक है। तो ये मेरा प्लांट है, देखिए आप। सो ये मेरे कवर्ड है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, बस पूरी की पूरी कपड़े है, यहाँ पर भी पूरे कपड़े है, पूरे कपड़े से भरे हुए हैं। तो यहाँ भी कपड़े हैं और यहाँ भी कपड़े हैं, पूरा कपड़े से भरे हैं मेरे कवर पर। सो इतना कुछ नहीं है दिखाने के लिए। सो यही है मेरा छोटा सा रूम। सो ये मेरे मिरर है, और मैंने यहाँ पे कुछ सामान रखे हैं, जैसे कि मेरे पास रखने की जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटी जगह है। ये टॉयलेट है, चलिए रूम का ही सामने पे है टॉयलेट, अटैच है, अंदर पे ही है, तो टॉयलेट तो क्या दिखाएंगे आप लोगों को। सो ये पाइप है, सो बाहर से हम कनेक्ट करते हैं इसे पानी के लिए। सो ये पाइप है। सो मेरा पहला वाला रूम दिखाती हूँ, ये मेरा पहला रूम है। ये थोड़ा अंधेरा दिख रहा है क्योंकि मौसम भी ख़राब है ना, तो बारिश आ रहा है, सो लाइट भी नहीं लगाया मैंने, अंधेरा दिख रहा है। सो ये मेरा पहला रूम है। तो मैं यहाँ बैठकर लेसन प्लान बना रहे थे, वो मेरा बच्चा है, एक लौता बच्चा। सो ये किचन है पहला वाला, ये सेकेंड वाला रूम है जहाँ पे मैं सोती हूँ, और ये है, ये रूम था जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। सो पूरा मिलाकर मेरे पास यहाँ पे 3 रूम है, एक किचन है, 2 रूम है और एक टॉयलेट है। सो ये है मेरा बिचारे वाला और छोटा सा रूम। सो हम आ गए हैं क्लास पर, ये देखिए सब अपने अपना लेसन प्लान लेके आए हैं। सो आज हमारा माइक्रो टीचिंग है, सो यहाँ पे कम स्टूडेंट है। सो जो है रूम नंबर 2 पे जो है आधा डिवाइड हो चुका है।
इंसान में पाया जाता है ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे, उठ के उठ चला कविता दादा दादी कोई आप मूव करते हैं उठते हैं क्या आज आप उनको सबसे पहले आप ये चित्र देख लीजिए, दिख रहा है आपको ये किसका चित्र है? एक बूढ़ी दादी का है, लेकिन एक ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक कविता कक्षा एक का भाग 14, ठीक है। तो हम टॉपिक दे रहे हैं, मैं आप लोगों को जो है मेरे पीछे पीछे दोहराना है, उसी बाद में फिर इस कविता के साधन के बारे में आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को मेरे पीछे पीछे दोहराना है, ठीक है। कहीं एक गुड़िया थी, नहीं थी कार नहीं था कुछ भी, कार नहीं था कुछ भी, कार ना होने से, कार ना होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी, उसको आराम करता है पापा बनकर, पापा बनकर घर में, घर में सब पर घोष जमाओ, घोष जमाओ मन करता है, मन करता है पापा बनकर, पापा बनकर मैं भी मूछ बढ़ाऊं, मूछ बढ़ाऊं मन करता है, मन करता है, ठीक है। तो आज हमारा प्रोफेसर नाम है अनुमे, और ये क्या है? लोमड़ी, और ये तेंदुआ। तो आज हम इन्हीं तीनों के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसमें से कौन सा आज हम एक भ्रमंती मछली के बारे में करेंगे, ठीक है। और उस कहानी का क्या नाम है? इसलिए हम इसे चिराते कहते इसको सबकू, कहते इसको सबकू, नाम है इसका कक्कू, कोयल माने मिश्री जैसी, कोयल माने मिश्री जैसी मीठी जिसकी बोली, मीठी जिसकी बोली। मैं अभी पूछ रही हूँ हमारे माइक्रो टीचिंग लगभग 2 बजे, शायद 2 बजने वाला नहीं खत्म हुआ है, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए, सर दर्द होने लग गया था मेरा, सर इतना दर्द कर रहा था कि पूछो, पेशेंस के साथ मैं बैठ कर आई हूँ। मैंने यूनिफॉर्म भी नहीं उतारा है, मैंने ऐसे ही बैठ गई मैं बेड पर, तो ये मेरा बुक भी यहाँ पर ही है। सो आज का जो ये ब्लॉग है बस इतना ही है, तो आप लोगों से फिर मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग पर। बाय।